झांसी की मूठ तहसील का विवादित चोपड़ा तालाब का काम फिर से शुरू हो गया है। भाजपा गरोठा विधायक जवाहरलाल के मुताबिक पूर्व समाजवादी पार्टी की सरकार में इस तालाब को बंद कर दिया गया था और इसके अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तालाब पोखर का बीड़ा उठाया है और फिर इस तालाब का खुदाई का काम शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि इस तालाब में कभी मछली भी हुआ करती थी, ये तालाब हमेशा पानी से लबालब रहता था और अब ऐसा ही दिखेगा। पाथवे चारों तरफ स्टील की ग्रिल, मोटर लगा के पानी को बिल्कुल सही करने का काम, फुब्बारा, फाउंटेन। इस तालाब को ये मान लो आप लखनऊ में जिस प्रकार गोमती रिवर फ्रंट था उसका बजट होगा 22 करोड़ रुपया या 100 करोड़ रुपया, लेकिन यहाँ भी 1-2 करोड़ रुपया खर्च करके इस कस्बे में पार्क से अच्छी चीज़ बनाने जा रहे हैं। शाम को लोग टहलने आए तो इस तालाब को देखें और इस तालाब को देखकर चर्चा करें कि कैसे समाजवादी पार्टी वालों ने इस तालाब को बंद करा दिया। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।